शहर में एक बार फिर चोरों ने लोगों की नींदें उड़ाना शुरू कर दिया है। शहर के गंज थाना इलाके में काली माता मंदिर के नजदीक परिवार के घर में होने के बावजूद भी चोरों ने दूसरे कमरे से 3 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। मामले की सूचना सुबह उठने पर लगी तो परिवार के सदस्यों के पैरों से जमीन खिसक गई। पीड़िता अनुपा सिंघवी ने इस मामले को लेकर गंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं पीड़िता का कहना है कि पुलिस की गश्त नहीं होने के चलते चोर वारदातों को अंजाम देकर लोगों की नींद उड़ा रहे हैं। चोरों ने 8 तोला सोना सहित 3 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया है। वो एक चेन, एक कान के प्योर कान के बिकने की बूंदे थे मेरे पास, इतने बड़े मोती लगे हुए, वो गया है। एक कान के टॉप्स डायमंड्स के, 3 अंगूठियां गई हैं। कैश में 4,300 नहीं 700 रुपये। आप कहाँ गए थे? मैं सो रही थी सामने। अच्छा। रात को 3 बजे से 4 बजे के बीच में हुआ ऐसा, क्योंकि 2:30 बजे हम यहाँ से उधर गए थे, ये फिर 3:30 बजे तक अखबार पढ़ रहे थे, तब तक तो कुछ नहीं, उसके बाद कुछ हुआ होगा तो पता नहीं। और 4:30 बजे यहाँ सब चहल पहल होने चालू हो जाती है। आप लगा लिए 8-10 तोला सोना कैश, 4,700, 2 चांदी की गिलास, ये गया 3 लाख तो बोल समझ लो। कौन सी जगह है ये? ये काली मंदिर के सामने। कौन से थाने रिपोर्ट दर्ज? वो गंज। पुलिस आ गई? आ गई, आधे घंटे बाद आई थी रिपोर्ट करने के। मैं को गेस्ट वगैरह नहीं है इधर? कुछ नहीं है, और बाकी यूनिटी है नहीं कि चौकीदार वगैरह हो, ऐसी कोई यूनिटी भी नहीं है।